और अब एक खास बात, आरजे रामशास्त्र के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामशास्त्र और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम कलेक्टर भीम सिंह की अगुवाई में महासफाई अभियान चलाया जा रहा है, जो कि कई वार्डों में इसका असर भी अब दिखने लगा है। इस मुहिम को गति देने फिर से महासफाई अभियान की पिच पर बल्लेबाजी करने कलेक्टर भीम सिंह नगर निगम अमला और महापौर के साथ उतर पड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि रायगढ़ नगर की बदहाल सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद जब से कलेक्टर भीम सिंह रायगढ़ आए हैं तब से शुरू किया गया है, जो कि अनवरत जारी है, जिसका बेहतर परिणाम भी अब सामने आने लगा है। भले इसका कारण जो भी हो, लेकिन खुद कलेक्टर भीम सिंह न सिर्फ नगर के गली मोहल्लों में निरीक्षण करते हैं, बल्कि लोगों के द्वार द्वार पर जाकर उनसे सीधा मुखातिब भी होते हैं। उनके साथ महापौर और आयुक्त, वार्ड पार्षद और पूरा नगर अमला भी सड़कों पर उतर रहे हैं। तब कहीं बदहाल रायगढ़ की सफाई व्यवस्था पटरी पर आ रही है, अब फिर से महासफाई अभियान की पिच पर उतरकर कलेक्टर भीम सिंह ने यह संदेश दिया है कि जब तक रायगढ़ का प्रत्येक वार्ड स्वच्छ और सुंदर नहीं हो जाता, तब तक चैन से न तो खुद बैठेंगे और न ही नगर निगम को बैठने देंगे। 40 में ये देखा है कि कुछ तो जहाँ पर खाली प्लॉट हैं वहाँ पर लोग डाल रहे हैं, कल भी देखने को मिला, तो उनको नगर निगम फिर से नोटिस दिया जाएगा कि वहाँ पर बाउंड्री वॉल बनाए। मैंने अपने वार्ड की समस्याएं बताई, डंपिंग का था, कुछ ऐसे हैं जो जहाँ रिक्शा नहीं जा पा रही है उनकी वजह से कचरा डंप हो रहा है। कलेक्टर साहब जी उस चीज़ के बोले भी हैं। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।